और बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा झारखंड में इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की जा रही है। 50 करोड़ से ज्यादा के नोट बरामद किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि डिस्टिलरी कंपनी पर यह छापेमारी की जा रही है, नोटों की गिनती अभी भी जारी है, ये सूत्र बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक ओडिशा के बोलंगीर और संबलपुर में जांच की जा रही है। इसके अलावा झारखंड में रांची और लोहरदगा में भी जांच चल रही है। 50 करोड़ तक की गिनती तो कल ही कर ली गई थी, इसके बाद खबर यह आई कि पैसे गिनने वाली मशीन ने काम करना बंद कर दिया। सोचिए कितना पैसा यहां से बरामद हुआ है। डिस्टिलरी कंपनी जिसके यहां पर इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और नोट ऐसे रखे हुए हैं मानो वो रद्दी में जो पेपर रखे जाते हैं वैसे रखे गए। इतना पैसा गिनते गिनते मशीन थक गई। फिलहाल यहां पर नोटों की गिनती अभी भी जारी है, कितना पैसा है अभी इसको गिना जा रहा है। 50 करोड़ से ज्यादा का कैश माना जा रहा है। ओडिशा झारखंड ये दो ऐसे राज्य जहां पर ये इनकम टैक्स विभाग की ओर से छापेमारी की गई, जिसमें 50 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले हैं, अभी भी नोटों की गिनती जारी है।